हे एवरीवन, आज 5th ऑफ जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में मेरा SBI क्लर्क प्रीलिम्स का एग्जाम था। एग्जाम का लेवल कैसे आया, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए और मेरा कैसा क्या अटेम्प्ट रहा है, वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कर देना। तो देखो, सबसे पहले इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट था। मॉडरेट इसलिए क्योंकि वहां पर जो RC आया था वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था। जनरली जब क्लैरिकल में RC आते हैं तो उनके आंसर हमको बहुत जल्दी मिल जाते हैं, पर उसमें थोड़ा सा पढ़ना समझना ज्यादा पड़ रहा था तो जाके फाइनली आंसर जो है वो मिल रहे थे। तो RC जो है यहाँ पे मॉडरेट लेवल का था। RC के लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आए थे जिसमें एक ब्लैंक था और 2 सिनोनिम एंटोनिम वाले क्वेश्चन भी थे, एक शायद स्ट्रेन करके था और एक स्टीयर ऐसे करके कुछ 2 वर्ड्स दिए हुए थे। देन फिर इसके बाद में एरर के कुछ क्वेश्चन आए थे, 4 से 5 मार्क्स का एरर के क्वेश्चन आए थे। जैसे एक एरर जो था उसमें नो सुनर वाला था, नो सुनर के पास साथ में जो हम कनेक्टर यूज करते हैं देन करते हैं तो वो करेक्ट था। देन फिर एक एरर था जिसमें ऑन द मॉर्निंग लिखा हुआ था तो डेफिनेटली इन द मॉर्निंग आएगा, तो इस टाइप में के एरर के क्वेश्चंस आए थे। देन फिर रीअरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे जो कि ABCD करके सेंटेंस देते हैं, छोटे छोटे से सेंटेंस देते हैं, उनको अरेंज करना होता है, तो वो भी सिंपल ही था। सिंगल फिलर आए थे, 3-4 क्वेश्चन कुछ सिंगल फिलर के आए थे, वो भी सिंपल से थे, इजी वर्ड्स उसमें भी देके रखे थे। देन फिर इसके बाद में मिस स्पेल्ट से रिलेटेड आया था, जो वर्ड मिस स्पेल्ट है या फिर इनअप्रोप्रिएट है उसके भी 4 या 5 क्वेश्चन आए थे। देन फिर ये जो है पूरा हो गया हमारा इंग्लिश का जो है ओवरऑल। इस टाइप का कुछ पेपर आया था इजी टू मॉडरेट लेवल। अगर मेरी बात करें तो मेरी इंग्लिश में बहुत ज्यादा अटेम्प्ट नहीं हो पाए क्योंकि RC में मेरा काफी ज्यादा टाइम चले गया और इस कारण से मेरे और थोड़े क्वेश्चन रह गए, तो इंग्लिश में लगभग मेरे 20 या 21 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाए, जिसमें ऐसे आई थिंक अगर कुछ गलत होगा तो एक वे क्वेश्चन शायद हो सकता है, उससे ज्यादा गलत नहीं होंगे उसमें। देन फिर क्वांट की बात करें तो क्वांट में सिंप्लीफिकेशन आए थे 10 से 15 मार्क्स के, सिंपल से थे, कोई भी मतलब वो प्रिके वाले सिंप्लीफिकेशन नहीं आए थे। देन फिर रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी। रॉन्ग नंबर सीरीज जो है यहाँ पे थोड़ी मॉडरेट लेवल की थी, टाइम कंज्यूमिंग थी, 5 या 6 आई थी मेरे, उसमें बहुत ज्यादा टाइम चले गया। शायद रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं किया होता तो अरिथमेटिक के थोड़े ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि अरिथमेटिक में ज्यादा कर नहीं पाई, पर एक बार जो हम पूरा पेपर देखते हैं तो उसमें अरिथमेटिक के क्वेश्चन जो है वो सिंगल लाइनर ही मोस्टली दिख रहे थे। तो अगर हम रॉन्ग नंबर सीरीज की बात करें तो 5 या 6 क्वेश्चन आए थे जिसमें से एक जैसे था, मेरे को 3 या 4 ही बने थे जिसमें से एक डबल डिफरेंस से रिलेटेड था, एक में ऑड प्राइम नंबर का डिफरेंस था, ऐसे करके कुछ रॉन्ग नंबर सीरीज थे। देन DI थी, DI एक ही DI आई थी जिसमें 5 क्वेश्चन आए थे, 2 पर्सन देके रखे थे और 3 इंस्टीट्यूट शायद दिए हुए थे, उनमें उनने जो जो अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ था वो अमाउंट भी वहां लिखा हुआ था, आपको उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन दिए हुए थे जो कि सॉल्व करने थे, तो मॉडरेट लेवल का था वो भी। तो क्वांट में अगर देखा जाए तो रॉन्ग नंबर सीरीज और जो DI था वो थोड़ा सा मॉडरेट टाइम टेकिंग थे, ठीक है। देन फिर इसमें अरिथमेटिक के जैसे मैंने बोला मैं ज्यादा क्वेश्चन कर नहीं पाई, मैंने 3-4 क्वेश्चन किए, एक एज से रिलेटेड था, एक रेशियो से रिलेटेड था। रेशियो मतलब ऐसा था कि एक विलेज है जहां पे मेल जो है वो डबल होंगे फीमेल के, और देन फिर दूसरा विलेज है बी जहां पे फीमेल्स की नंबर देके रखे थे कि इतनी वहां पे फीमेल्स है, देन ए और बी में मेल क्या क्या रेशियो है ये रेशियो देके रखा था, और फिर ओवरऑल दोनों विलेज को मिला के टोटल कितने पॉपुलेशन है वो दी हुई थी, वहां से आपको शायद ए के मेल्स निकालने थे, तो सिंपल सा था, हो गया था। देन एक पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ए ने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया है पूरे 12 महीने के लिए, फिर 6-7 महीने बाद बी ने जो है वो इन्वेस्ट किया है और लास्ट में उन दोनों का प्रॉफिट इतना हुआ है, तो बी का प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट शेयर क्या है, ऐसा जो क्वेश्चन होता है वो दिया हुआ था। और एक SI से रिलेटेड था, तो SI का तो डायरेक्ट ही था, मतलब फॉर्मूले में रखने वाली वैल्यू थी, वहां पे हमको टाइम निकालना था, ठीक है, और अमाउंट देकर रखा था तो डेफिनेटली अमाउंट को प्रिंसिपल से माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा, तो ऐसे करके वहां से डायरेक्ट जो है टाइम निकल जाएगा। तो इस टाइप में क्वेश्चन क्वांट में जो अरिथमेटिक के थे, मतलब ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं थे अरिथमेटिक, सिंपल इजी लेवल का था, तो अगर जिन्होंने शायद रॉन्ग नंबर सीरीज पे ज्यादा टाइम नहीं दिया होगा उन्होंने अरिथमेटिक के अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर लिए होंगे। देन फिर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग तो बहुत ही सिंपल आया था, मतलब रीजनिंग ऐसा रहा है कि जैसे जनरली हम करते हैं कि पजल सिटिंग अरेंजमेंट छोड़ के पहले मिसलेनियस के क्वेश्चन करते हैं देन उनको लेते हैं, तो ऐसे करने की बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं पड़ रही थी, मतलब मैंने तो डायरेक्ट फर्स्ट से स्टार्ट किया था और 35 पे ही जाके डायरेक्ट टाइम किया था, बीच में मुझे कहीं पे भी स्किप नहीं करना पड़ा। तो रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग में एक तो वर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड आया था जिसमें ETAL इससे वर्ड फॉर्म करना था, तो लेट हो गया, टेल हो गया, तो मतलब मोर देन वन वर्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहा था। देन पेयर फॉर्मेशन आ रहा था, न्यूमेरिकल वैल्यूज में जो पेयर फॉर्मेशन देते हैं वो आया था।
ब्लैक रिलेशन से रिलेटेड 3 क्वेश्चन थे। ब्लैक रिलेशन जो था वो भी इजी था, जैसे अभी तक के एग्जाम में मोस्टली ब्लैक रिलेशन काफी ट्रिकी आ रहे थे जो जल्दी सॉल्व ही नहीं हो रहे थे, पर ये बहुत ही इजी था, स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया तो वो जल्दी से बन गया। देन चाइनीज कोडिंग आया था, उसके 4 या 5 क्वेश्चन थे, वो भी सिंपल था, उसमें ज्यादा वर्ड्स ज्यादा सेंटेंस वाले नहीं आए थे। देन फिर ऑर्डर रैंकिंग से रिलेटेड आया था, 3 या 4 क्वेश्चन थे, उसके भी अटेंडेंस दी हुई थी, उसमें ए जो है 20 से ज्यादा टाइम स्कूल जाता है, सी से कम टाइम जाता है, इस टाइप का जो होता है, वो भी सिंपल सा था। देन फिर सिलॉक्स के 3-4 कुछ क्वेश्चन थे। देन फिर अगर हम यहाँ पे पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो एक स्टैक बेस्ड आया था, 8 स्टैक देके रखे थे, उनमें मतलब बॉक्सेस को अरेंज करना था। एक जो है वो 2 पैरेलल रो से रिलेटेड आया था और एक डे बेस्ड था, मंडे से सैटरडे तक का दिया होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एक सैटरडे संडे, संडे पे एंड होगा, ठीक है। इनमें से कोई सा भी वेरिएबल बेस्ड नहीं था, सिंपल से थे, जनरली आप पढ़ते जाओ फट फट बनाते जाओ वैसे वाले क्वेश्चन थे। तो रीजनिंग जो है ये ओवरऑल पेपर में रीजनिंग ही एक केवल इजी सेक्शन था। अगर मैं सेक्शन वाइज अपने अटेम्प्ट बताऊं तो मेरे इंग्लिश में 20 के लगभग 20-21 कुछ अटेम्प्ट रहे, क्वांट में 26 या 27 ये कुछ अटेम्प्ट रहा, 26-27 कुछ अटेम्प्ट था, और रीजनिंग में तो पूरे 35 क्वेश्चन जो है मैंने अटेम्प्ट किए। तो ओवरऑल जो मेरे एक अटेम्प्ट रहा है वो बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं रहा है, 82 के लगभग मेरे अटेम्प्ट हुए हैं, तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी तक जो क्लैरिकल में मेरे अटेम्प्ट रहते हैं वो जनरली 89-90 इतने तो रहते ही हैं, तो ये ठीक ठाक अटेम्प्ट है। अब आपका कैसा क्या पेपर गया है, आपके क्या अटेम्प्ट रहे हैं, अगर आप बताना चाहते हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता देना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।